देख रहे हैं अंबर टाइम। रतलाम जिला राजस्थान की सीमा पर है, ऐसे में दोनों प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की महती जिम्मेदारी है। होने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उज्जैन रेंज के आईजी संतोष सिंह और बांसवाड़ा आईजी सुश्री एस परिमाला गुरुवार को बॉर्डर मीटिंग के लिए रतलाम प्रवास पर आए। पुलिस नियंत्रण कक्ष में दोनों आईजी की मौजूदगी में बैठक कर कानून व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। बॉर्डर मीटिंग की जानकारी देते हुए आईजी उज्जैन रेंज संतोष सिंह ने बताया, बॉर्डर मीटिंग भी आता है मैडम, आइए। जैसा अभी आपको आईजी मैडम ने बताया कि आज बांसवाड़ा रेंज के ऑफिसर्स के साथ, जिसमें आईजी बांसवाड़ा मैडम और वहाँ के दो एसपी जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के एसपी साहबान और मैं स्वयं और हमारे डीआईजी और हमारे संबंधित जिलों के एसपी साहबान के साथ एक बॉर्डर मीटिंग की गई, जो कि आने वाले विधानसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में की गई। ऐसे ईसीआई के भी गाइडलाइंस हैं और हमारे डीजीपी साहब के भी निर्देश थे। इसके संबंध में हम लोगों ने एक दूसरे क्षेत्र में अक्रॉस द बॉर्डर जो आरोपी हैं, जो वारंटी हैं, उनकी जानकारियाँ शेयर की हैं और कैसे कार्रवाई करनी है। जैसे इंटरस्टेट नाकाज लगाए जाएंगे, आपस में हमारा कम्युनिकेशन कैसे होगा, थाना लेवल पे हम कैसे समन्वय करेंगे और बेहतर कार्रवाइयों के लिए और बड़ी कार्रवाइयों के लिए, इन सभी विषयों पे बात हुई है और एसपीज ने ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की और कैसे कैसे कार्रवाई करेंगे सारी मॉडलिटी भी इसमें बनाई गई है। तो आने वाले दिनों में आपको ये सारी कार्रवाई नजर पड़ेगा। जितने आरोपी फरार है, जो एमपी रतलाम के है, जिनकी संख्या कितनी है, गिरफ्तारी के लिए उनके लिए? अब एग्जैक्ट संख्या मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, वो मेरे पास है, बट मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमने वो पूरी संख्या शेयर की है और नाम के साथ शेयर की है। हम उनके जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह एक दूसरे अक्रॉस द बॉर्डर के अगर बॉर्डरिंग एरियाज में रहता है बड़े अपराधियों के, जिन पे हमने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं, जिनमें बांसवाड़ा रेंज की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ की जानकारी भी हम शेयर करेंगे। क्योंकि हम जो आपको पता ही है कि जो बड़े आरोपी होते हैं या जो कुछ एनडीपीएस एक्ट के बड़े आरोपी होते हैं, उनके प्रॉपर्टियों को सीज़ करने का भी प्रावधान है सफेमा एक्ट वगैरह में, वो भी जानकारी हम शेयर कर रहे हैं, उस पर भी हम कार्रवाई करें। सुरक्षा के लिए कोई नए तरीका अपना रहे इस बार बॉर्डर की सुरक्षा के लिए? चुनाव में जब आए लोग जाते हैं, प्राइमरी वो है कि अभी कुछ महीने हैं उसमें, लेकिन ऑलरेडी हमारे इंटर स्टेट नाका इन प्लेस है। अब ये जो नाका है जो बिल्कुल बॉर्डर के पास होंगे, कैसे इफेक्टिवली और ऑपरेट करें, विषयों पे स्पीच ने चर्चा की है, स्वयं जाके वो देखेंगे। नाकों पे बहुत जल्द बताया गया कि सीसीटीवी कैमरे भी लग जाएंगे, कई जगह पर लगे हैं और वो जल्दी लग जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और भी आने वाले समय में जिस तरह से हमें कार्रवाई की आवश्यकता होगी हमारे अधिकारियों के साथ, वो किया जाएगा। अभी सब जगह सीसीटीवी लगे थे, मुझे ऐसा बताया गया है, कुछ स्पीच ने बताया है जो हमारे स्पीच आज मीटिंग में आए हैं कि कुछ जगहों पे सीसीटीवी है, उनको ये बताया गया कि उसको एक बार असेस कर लें और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि कई बार उसके डायरेक्शन, कई बार उसकी जो बैकअप रहता है डेज कितने और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो वो सारी चीज़ें आने वाले कुछ दिनों में वर्कआउट की जाएंगी, उसमें जिला प्रशासन से भी सहयोग लेकर। सीमा पर कितने नाके हैं जिन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाना? अभी जैसे मंदसौर डिस्ट्रिक्ट या अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में 4 नाके ऐसे चल रहे हैं, इंटरस्टेट नाके जो हैं, और बाकी जगहों पर भी ऐसे ही चल रहे हैं, तो उन पर प्लान करके, जैसा मैंने कहा, तो प्लान करके आने वाले कुछ समय में इफेक्टिव उसकी सीसीटीवी कैमरे से कितने टोटल पॉइंट 16 से ज़्यादा चिन्हित हैं पर वर्तमान समय में जो मेन आवागमन के पॉइंट होते हैं, जहाँ से लोगों के आवागमन या वो ज़्यादा होंगे, ऐसे जो है 4 से 5 जगह चिन्हित की गई हैं जिन पर कि ये कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा रेंज आईजी सुश्री एस परिमाला ने बताया, डीजीपी का निर्देश अनुसार अभी मीटिंग हुई है, उसमें हमारा पास कितने डिटेल्स हैं अपराधी को, वो वी हैव एक्सचेंज कर लिया है। देन वी हैव प्लान समथिंग आल्सो इन फ्यूचर, और सार का निर्देश अनुसार भी कुछ प्लान करेंगे, और ये ईसीआई का गाइडलाइंस में इलेक्शन का मद्देनज़र रख के ये मीटिंग कंडक्ट हुई है। गोपालपुरा के सरपंच ने अपने सामने चुनाव लड़े लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। सरपंच के मुताबिक ग्राम सभा के दौरान हिसाब को लेकर उसके साथ मारपीट की गई है। हिसाब मांगने वाले लोग पुराने कार्यकाल का हिसाब मांगने पर अड़े रहे, लेकिन सरपंच सिर्फ अपने कार्यकाल का हिसाब दे रहा था। मारपीट में घायल हुए सरपंच रंगलाल भाभर का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण किया गया। बाद में सरपंच ने मामले की पुलिस रिपोर्ट करवाई। सरपंच रंगलाल भाभर ने बताया कि वह जब रिपोर्ट करने गया तो उसे थाने पर भी 2-3 घंटे तक बैठना पड़ा।
क्या नाम है? मेरा रंगलाल भावर। क्या हुआ, किस बात को लेके मारपीट हुई, कौन से गांव का मामला? गोपालपुरा पंचायत का। और मामला ये है कि मतलब 15 अगस्त के दिन हमारी कल भी बातचीत हुई उनसे, और मैंने कहा कि हम नियमानुसार आदेश की कॉपी है हमारे पास, उसी के हिसाब से हम बैठक ग्राम सभा रखेंगे। तो उस आज जो हाथापाई हुई आपके साथ, आप सरपंच हैं गांव के, आपके साथ जो हाथापाई हुई, क्या कारण था हाथापाई करने का? कारण यही है कि वो पुराना कार्यकाल का हिसाब से ही हमारे को, मैंने कहा कि मेरे कार्यकाल का जो हिसाब किताब है मैं दूंगा, और पुराना कार्यकाल का है वो आप पूर्व सरपंच को आप पूछ सकते हो, जो मेरे कार्यकाल का है वो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद में वो सामने वाले पत्रकार आए थे नारूढ़ अमर, कैलाश देवड़ा वगैरह, तो उन्होंने उनके पत्रकार से मैंने बातचीत भी की, उनके सवालों का जवाब मैंने। कितने लोग थे ग्राम सभा में? कम से कम करीबन 150 लोग होंगे। कुछ जिन्होंने मारपीट की उनके कुछ नाम? नारू डामर, कैलाश देवड़ा और प्रेम डामर और जगदीश डामर। कहाँ के रहने वाले हैं ये? नारू डामर, प्रेम डामर और जगदीश डामर गोपालपुरा के हैं, और नारू डामर सॉरी कैलाश देवड़ा नेपाल फतेहगढ़ का। और अन्य लोगों की कोई पहचान हुई आपको? बहुत सारे थे लेकिन मैं देख नहीं पाया इन लोगों को, अन्य लोग काफ़ी थे। आगे आपने क्या कार्रवाई की? मैंने थाने पे जाकर के रिपोर्ट भी करवाई, लेकिन रिपोर्ट करवाने गया तो उसी समय कम से कम मुझे 3 घंटा या 4 घंटा बैठना पड़ा थाने में। हाँ, और ज़बरदस्ती भी कुछ मेरे साथी गण आए, और जब जाकर के ये लोग कौन थे जिन्होंने आपके साथ मारपीट? मेरे विपक्ष। विपक्षी कौन थे, कौन से विपक्षी दल से संबंध रखते? दल तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे सामने खड़े भी हुए थे प्रत्याशी, और वो वाद विवाद के लेकर के चलते हैं। दोस्त के साथ पैदल घर जा रहे युवक को तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक और बाइक चालक दोनों घायल हुए हैं। खबर के मुताबिक बीमार पिता को टिफिन देने के लिए पुत्र धौंसवास निवासी सुनील पिता मांगीलाल घर से निकलकर बाइक से मेडिकल कॉलेज जा रहे थे। डोसी गांव में पैदल दोस्त के साथ जा रहे शिवम पिता राम चौहान को बाइक ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बाइक चालक और पैदल जा रहे शिवम के घायल होने पर दोनों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां दोनों का उपचार किया जा रहा है। दोस्त सुधीर साकेत ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया। सुधीर साकेत, कहां पे एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ? ये हम लोग घर जा रहे थे तो पीछे से बाइक वाला आया और ठोक दिया। ये आगे थे, हम पीछे थे, तो भी मैंने देखा तो ये चिट्ट पड़े थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। इसके बाद पब्लिक आया और उठा के साइड में कराया। कौन अस्पताल लेके आया? वो अस्पताल गाड़ी आई थी, एम्बुलेंस राहगीर ने फ़ोन किए थे, किसी ने गाड़ी बुलवाया था तो ये एम्बुलेंस आया, फिर एम्बुलेंस में बैठाया और लेके आया तो इलाज रात में। कहाँ रहते हो? ये दोसी गांव में रहते हैं। जैन श्वेतांबर खड़तरगच्छ श्री संघ का पर्युषण महापर्व प्रारंभ है। उसी श्रृंखला में गुरुवार को पांचवें दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म आचार्य कुलबोधि सुरेश्वर जी महाराज साहब की पावन निश्रा में समाज जन द्वारा मनाया गया, जिसमें समाज जन द्वारा परंपरा अनुसार केसरिया रंग के छापे लगवाए गए व 14 स्वप्न जी की बोलियां लगाई गई, जिसमें समाज जनों ने बढ़ चढ़ कर बोली का लाभ लिया। समाज जनों में नारियल बदार कर चटक एक दूसरे को खिलाकर भगवान महावीर के जन्म की बधाइयां दी। लड्डू का प्रसाद समाज जनों ने वितरित किया। समाज जनों ने जय महावीर के जयकारे लगाए और नाच गाकर धूमधाम से खुशी का इजहार किया।
लक्ष्मी जी की बोली में समाजजनों ने हिस्सेदारी की। और प्रभु जी को घर पे ले जाना कि हमें ज्यादा में जाना चाहिए, एक खास ध्यान रखना, विवेक रखना, ऐसा न हो कि लक्ष्मी लक्ष्मी करके कहीं हमारे द्वारा परमात्मा तत्वों की आसाधना न हो जाए। गुरु भगवान इसीलिए यहाँ आते हैं कि भाई कई बार ऐसा होता है लोगों को सच्ची राह नहीं मालूम रहती है और अंधे के जैसे लक्ष्मी जी का चढ़ावा बोलते हैं और प्रभु को घर पे ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रभु ही सर्वश्रेष्ठ है। ये सपना भी प्रभु जी की वजह से उनकी माता को आए थे। प्रभु यदि गर्भ में नहीं आते तो त्रिशला माता को भी वो सपना आने वाले नहीं थे। यदि सपना माता को आते थे तो नंदीवर्धन के वक्त भी आने चाहिए थे, लेकिन नंदीवर्धन के वक्त नहीं आए थे। कब आए थे? जब भगवान महावीर स्वामी कोप में आए, कब आए थे? यानी हमारे हृदय के अंदर इम्पोर्टेंट प्रभु का ही रहे उस ढंग को याद करके विवेक का उपयोग करके हम चढ़ावा बोले, यही शुभेच्छा। इस द्वारा धर्म द्रव्य की वृद्धि हो। पुरुषोत्तम मास की मासिक शिवरात्रि व श्रावण सोमवार पर 121 शिवलिंग का महारुद्र अभिषेक, ईशानवी अनुगच्छितु प्रभा का आयोजन राखी अखिलेश व्यास ने बरबड़ रोड स्थित विधायक सभागृह पर किया। कार्यक्रम में मुख्य पंडित चैतन्य शर्मा रहे, समिति के प्रेम उपाध्याय चिराग असरानी, ओपी त्रिवेदी, अनीता पाहुजा, नीना उपाध्याय की उपस्थिति में संपन्न करवाया गया। अभिषेक में मुख्य यजमान संजय रेणु व्यास रहे। अभिषेक में निगम अध्यक्ष मनीषा मनोज शर्मा, अनिता निर्मल कटारिया, पार्षद सपना गौरव त्रिपाठी, सत्यदीप भट्ट सहित बड़ी संख्या में भक्तगण की उपस्थिति में महारुद्र अभिषेक संपन्न करवाया गया। मुख्य अतिथि में शहर विधायक चैतन्य काश्यप, CSP अभिनव वारंगे, महापौर प्रहलाद पटेल, भाजपा वरिष्ठ नेता कन्हैया लाल मौर्य आदि गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में आरती कर प्रसादी वितरित की गयी। देख रहे हैं अंबर टाइम।